हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम लोग डिफ्रेंसीसन का इंपॉर्टेंट फार्मूला देखने वाले हैं जो कि बीएससी सेमेस्टर टू के लिए इम्पॉर्टेंट है और एलेवन ट्वेल्व के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है ठीक तो है तो वन शॉट रिवीजन मारते हैं ठीक है इसमें कुल ट्वेंट ये थर्टी फोर फार्मूले होंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टेंट टर्म टर्म का डिफ्रेंसीसन कितना होता है जीरो होता है एक्स पर पावर एन का डिफ्रेंसिएसन एन एक्स एक्स पर पावर एन माइनस वन होता है ठीक है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का होता है डी डिवाइड साइन एक्स का डिफ्रेंसी कॉस एक्स और फोर नंबर कॉस एक्स का डिफ्रेंसीसन क्या होता है माइनस साइन एक्स फाइव नंबर टेन एक्स का डिफ्रेंसीन सी के स्क्वायर एक्स और सिक्स नंबर कॉट एक्स का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है सी रहे तो वहाँ माइनस लगता है ठीक सेवन नंबर सिक एक्स का डिफरेंशिएशन सिक एक्स इंटू टेन एक्स और एट नंबर है कॉसिक एक एक्स का डिफ्रेंसीसन माइनस कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स ठीक है और इनवर्स फार्मूला है ठीक है साइन इन्वर्स एक्स का वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है टेन नंबर कॉस एक्स का बस माइनस लग जाएगा ठीक है साइन में टेन इनवर्स एक्स का वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है कॉट में बस माइनस लग जाएगा सेम रहेगा टेन जैसे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें ठीक है थर्टीन नंबर सेक इनवर्स एक्स का वन बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉस एक इनवर्स एक्स का बस माइनस लग जाएगा सेक वाले में ठीक है और एपर पावर एक्स का एपर पावर एक्स लॉग ए ठीक है डीवाई डी एक्स लॉग बेस ए एक्स ठीक है वन बाई एक्स लॉगे हो जाएगा ठीक है और सेवनटीन नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर पावर एक्स का होता है पर पावर एक्स ही होता है ठीक है एटीन नंबर डी वाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है आप लोग जानते हो वन वाई एक्स ठीक है हाइपरबोलिक फंक्शन ठीक है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा देख लीजिए बी एस सी के लिए भी ठीक है डी वाई डी एक्स साइन हेपरबोलिक एक्स इक्वल टू कॉस हेपरबोलिक एक्स होता है ठीक है ट्वेंटी नंबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है इसमें माइनस नहीं लगेगा ट्वेंटी वन टेन हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स का माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ट्वेंटी थ्री होता है डी वाई डी एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स ठीक है और कॉसेक हैपरबोलिक एक्स का होता है माइनस कॉसिकपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हैपरबोलिक एक्स ठीक है बस कॉस में माइनस नहीं लगेगा इसमें कॉट में सी है तो माइनस लगेगा और कॉशेक में भी माइनस लगेगा ठीक है थर्टी सिक्स नंबर देखते हैं इन्वर्स में डीवाई डी एक्स साइन हैपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉशेक हैपरबोलिक एक्स इक्वल टू वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है टेन हैपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू वन वन माइनस एक्स टेन और कॉड का एक ही होता है ठीक है थर्टी नंबर से एक पर बोलिक इन्वर्स एक्स का माइनस वन बाय एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है कॉसिक में माइनस मॉड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है और सेपरेट में करते हैं ना यू प्लस वी यू इन टू ये सब ठीक है तो देखते हैं थर्टी टू नंबर वाई इक्वल टू यू प्लस भी माइनस डब्ल्यू तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे डी वाई वाई डी एक्स वाई का यू का डी वाई डी एक्स यू प्लस का dy डी एक्स भी माइनस डीवाई डी एक्स डब्ल्यू का ठीक है वाई इक्वल टू यू इन टू थर्टी थ्री नंबर प्रोडक्ट रूल ठीक है dy डी एक्स वाई का डिफ्रेंशिएट यू को रखना है भी का डिफ्रेंशिएट प्लस भी को रखना है यू का डिफ्रेंशिएट ठीक है प्लस रहेगा बीच में ठीक है और डिवाइजर रूल में क्या होगा वो देख लेते हैं ठीक है थर्टी फोर नंबर यू बाई भी के फॉर्म में रहेगा तो भी को रखना है नीचे वाले को रखना है ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट माइनस फिर ऊपर वाले को रखना है यू और फिर भी का डिफ्रेंशिएट बाई भी स्क्वायर हो जाएगा ठीक है नीचे वाले का चेन रूल तो आपको पता होगा वाई इक्वल टू एक फंक्शन लेते हैं साइन फोर एक्स उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डी साइन फोर एक्स बाई डी फोर एक्स ठीक है इंटू डी फोर एक्स उसके बाद फोर एक्स के बाद क्या हो जाएगा कोई फंक्शन नहीं है तो डी एक्स हो जाएगा ठीक है साइन फोर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कॉस फोर एक्स और फोर एक्स का फोर और एक्स का वन तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया फोर कॉस फोर एक्स आंसर ठीक है तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करें और फिर ऐसे ही वीडियो लाएँगे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब